वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है मारुफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको आपके चैप्टर 2 पेट्रियटिज्म के ग्रामर का पार्ट 2 करवाऊंगी। पार्ट बी जो आपका बनता है, जिसमें आपसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। इसमें कुछ टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, तो मैं आपको पहले समझाऊंगी, तो आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में वो आपको हेल्प करें। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी, फिर हमारे पास आ जाते हैं असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, फिर हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और असर्टिव एक तरह के ही होते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और फाइनली इंपेरेटिव। ये सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है वो जुमला जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार किया जाए। एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इसके लिए एक जो हम निशानी रख सकते हैं वो ये है कि ये एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? सिंपल, इसके एंड पे होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव काफी सिंपल है, ये एक फैक्ट आपको बताता है, स्टेट्स अ फैक्ट, और इसमें जो एंड होगा वो ज्यादातर फुल स्टॉप पे ही होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये एक एग्जांपल है, आई कैंट बिलीव योर लेट एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे हमें क्या पता चल रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूं कि अगला बंदा जो है वो लेट है। असर्टिव में क्या है? स्टेट्स अ फैक्ट, आई लाइक गोइंग फिशिंग, मुझे फिशिंग के लिए जाना पसंद है, ये एक फैक्ट है मैं आपको बता रही हूँ। यूजलेस फैक्ट भी हो सकता है, यूजफुल फैक्ट भी हो सकता है, सिंपल। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या बताता है? इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें हाँ आ रहा है कि ये हो रहा है या ये होता है, सिंपल। और ये भी अक्सर फुल स्टॉप के साथ ही एंड होगा। ये जिससे एंड नहीं होगा वो है क्वेश्चन मार्क। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएगा, वो मैं आगे आपको करवाती हूँ। अगला हमारे पास है टाइप, अगली टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इसमें ना आ रही है, नो, नॉट, नेवर, डिडंट, वुडंट, जिस भी जुमले में कोई चीज आ रही है जिसमें आपको पता चल रहा है कि नहीं हो रहा, ना का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंक्लूड्स, नो, नॉट, नेवर, बस यहाँ पे, ठीक है। और इसके भी एंड, अच्छा इसके एंड पे फुल स्टॉप हो सकता है, इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये भी एंड होगा फुल स्टॉप में। अगला आपके पास टाइप है, अगली टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इसको आपने इंट्रोगेटिव कहना है, इसको आपने इंटेरोगेटिव नहीं कहना है, इंटेरोगेटिव गलत है, से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इट्स अ क्वेश्चन,
सिंपल कि ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस आपके होते हैं उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, हमें पता चलता है कि ये कुछ पूछा जा रहा है, तो ये इसकी पहचान है कि इसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव की एक लंबी लिस्ट है। इंपेरेटिव में आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके एंड पे फुल स्टॉप भी आ सकता है, इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। सिंपल, ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। इनको जरूर नोट डाउन करें क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाते हैं जिसमें वो आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस देते हैं। नोट डाउन करें, इसको प्रैक्टिस करें। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके हमने टाइप्स आइडेंटिफाई करने। आपका ये ग्रामर का पार्ट बी है पेट्रियटिज्म में। पहला सेंटेंस है, आर्ट इज एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम इंटरेस्टेड। ये हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस क्योंकि ये हमें एक फैक्ट बता रहा है और वो फैक्ट क्या है कि मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूं। असर्टिव सेंटेंस। फिर हमारे पास है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आगे हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क, हमें पता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर हमारे पास है टीच हिम टू लर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि उसको सिखाओ, उसको इस बच्चे को कुछ सिखाओ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद है क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 जो कि क्वेश्चन है, हाउ वुड आई नो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड फाइनली हमारे पास सेंटेंस है, ही डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। और इसकी पहचान क्या है, इसमें नॉट आ रहा है तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये आपका ग्रामर का पार्ट बी है। इसको नोट डाउन करें, ये प्रैक्टिस करें, जरूर ये किसी ना किसी पेपर में आपका आ सकता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।